नागिन 6 के बीते एपिसोड में सुधा चंद्रन का डबल रोल नजर आया था। शो में जहां सुधा ने एक तरफ सीमा का किरदार निभाया, तो वहीं शो के अतीत वाले ट्रैक में सीमा की मां तारा के किरदार से भी सभी को बड़ा सरप्राइज दे दिया। तारा के रूप में जिस तरह से सुधा नजर आई, उनका कॉस्ट्यूम, उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज, उसे देख फैंस ने तो बस एक ही बात कही, वाह क्या बात है। सुधा ने जिस तरह से तारा का खौफनाक किरदार निभाया, उसके बाद हर किसी ने उनकी खूब तारीफ की। लेकिन अब फाइनली सुधा ने शो में आए अपने इस डबल रोल पर चुप्पी तोड़ी है और इसी के साथ महाअसुर वाले इस नए ट्रैक पर काफी बातें भी शेयर की हैं। जी हाँ, ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुधा ने सबसे पहले तारा और सीमा के डबल रोल पर क्या कहा, सुनिए जरा। सुधा कहती हैं, ये पहली बार है जब मैंने दोहरी भूमिका निभाई है। ये बहुत रोमांचक है और मैं हमेशा दोहरी भूमिका करना चाहती थी। हर बार जब मैंने दूसरे स्टार्स को डबल रोल निभाते देखा, तो मैं हमेशा ऐसा करने के लिए तरसती थी, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। 35-36 सालों में बालाजी टेलीफिल्म्स ने मुझे मौका दिया और मुझे बस ये पसंद आया। वही तारा और सीमा दोनों किरदारों में जिस तरह से वैरायटी नजर आई, उस पर सुधा कहते हैं, मैंने हमेशा महसूस किया कि विविधता बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे नागिन 6 में देखते हैं, तो मैं तारा का जो किरदार निभा रही हूँ वो आदिवासी का है, जिसने मुझे बहुत देहाती बना दिया और इसके लिए मेरा बहुत डार्क मेकअप किया गया। लेकिन जब सीमा के किरदार की बात आती है, जिसे मैं ही निभा रही हूँ, उसमें मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ। ये एक प्यारी दिखने वाली छवि है। एक एक्टर के रूप में जब मैंने खुद को देखा, तो मैं बहुत आश्वस्त थी कि ये दोनों लुक बहुत अलग और अनोखे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सुधा ने ये भी बताया कि आखिर जब कोई अभिनेता डबल रोल प्ले करता है, तो उसके सामने कैसे चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। डबल रोल निभाने में चुनौतीपूर्ण हिस्सा ये है कि आपको अलग दिखना है, तौर तरीके अलग होने चाहिए, खासकर जब आप एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हो। तो वही शो में सुधा का जिस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव किरदार हुआ और ट्रैक पूरी तरह से बदल चुका है, इस पर बात करते हुए सुधा बताती है कि शो में उनके किरदार के नेगेटिव शेड होने के बाद लोग उन्हें फोन करके उनकी तारीफें कर रहे हैं और कहते हैं कि अब शो को देखने का मजा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सुधा कहती है कि कहानी को इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है, बालाजी टेलीफिल्म्स को बधाई जो वो इस शानदार विचार के साथ आई। मैंने अपना 100% दिया है और बाकी मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि जहां फैंस नागिन 6 में आए इस नए ट्रैक से खुश हैं, तो वहीं शो के स्टार कास्ट भी काफी खुश है। बता दें कि आने वाले एपिसोड में सीमा और प्रथा के बीच में अमृत कलश पाने को लेकर असली लड़ाई नजर आएगी। दोनों इस वक्त उस महाकलश को ढूंढ रहे हैं जिसमें अमृत छिपा है। हालांकि सीमा के साथ साथ प्रथा की मुश्किलें नेवला भी खूब बढ़ाने में लगा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे प्रथा सीमा से पहले उस अमृत कलश तक पहुंचती है, जिसकी हिफाजत नाग वंश का कर्तव्य है।